हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, यूनाइटेड नेशन. आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में आपने काफ़ी सुन रखा है, बट फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ था और द बॉम्बिंग ऑफ डैश एंड डैश मार्क्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड एंड द डैश पावर एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द वर्ल्ड वार सेकेंड. इनके बारे में आप खुद राइट करोगे. इसमें क्या रखा है कि इन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड ईयर पीपल रियलाइज्ड दैट इट वाज अनलेस यूजलेस टू हैव वार्स. कि जो भी मतलब हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है उसको लेकर लोगों ने क्या कि रियलाइज किया कि जो भी ये वर्ल्ड वार हो रहा है वो क्या है, यूजलेस है. वे लुक्ड फॉर पीस, वे शांति चाहते थे. टू मीट दिस गोल द यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1945. हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ था कब, 1945 के अंदर. और हमारा ये जो यूनाइटेड नेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1945 में ही. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. हमारी जो फॉर्मेशन है, एम्स है, हमारे प्रिंसिपल्स है यानी हमारे सिद्धांत, हमारे लक्ष्य जो भी है वो क्या है, हमारे यूनाइटेड नेशन है. तो हमारा क्या है अगला, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. व्हेन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंडेड, जब पहला वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गया था. ए पीस कीपिंग बॉडी वाज इस्टेब्लिश्ड टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर वर्ल्ड वार्स. यानी कि उसके बाद में क्या था, शांति स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया था और उसको क्या है, भविष्य के अंदर वर्ल्ड वार न किया जाए. लेकिन क्या होता है कि दिस बॉडी वाज कॉल्ड द लेग्यू ऑफ नेशंस, जिसको हमने क्या बोला था, ये हमारे जो यूनाइटेड हमारे राष्ट्र का क्या है, एक संघ स्थापित किया गया था. इसके बाद में क्या किया गया, इट एम्स वाज द मैं वर्ल्ड पीस. इसका लक्ष्य क्या था, संसार के अंदर शांति स्थापित करना. हाउ एवर द आउट ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड रिफ्लेक्टेड द फेलियर ऑफ द लेग्यू ऑफ नेशन इन अचीविंग इट्स एम्स ऑब्जेक्टिव. यानी परंतु ये क्या था, आउट ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड रिफ्लेक्टेड, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे राष्ट्र का जो संघ है वो भंग हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार रिफ्लेक्ट हुआ. और अचीविंग इट्स एम ऑब्जेक्टिव, जो हमारे मेन एम थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए. थस देयर स्टार्टेड ए डिस्कशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद स्टिकर्स रूल्स एंड रेगुलेशन. इसको पूरा करने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया, स्टिक हो गई और रूल को लेकर के और रेगुलेशन को लेकर के, नियम और कानून को लेकर के. एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945. यानी 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूनाइटेड नेशन का रिजल्ट हुआ. विच इज सेलिब्रेट एज द यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर. इस प्रकार से क्या हो गया, हर साल जो हमारा यूनाइटेड नेशन का दिन फिक्स हो गया और सेलिब्रेशन शुरू हो गया. द इंस्टीट्यूशन एम टू प्रोमोट पीस एंड कोऑपरेटिंग अमंग नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इस इंस्टीट्यूशन का क्या एम हुआ, क्या लक्ष्य हुआ, कि प्रमोट पीस, कि इससे हमारी शांति को बढ़ाया जा सकता था. और कोऑपरेटिंग अमंग नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारे जो हमारा जो संसार है उसके अंदर क्या है, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित किया जा सके. ये हाफ लेसन हो गया, हाफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.